हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने चाल, दूरी और समय के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। आज हम इस वीडियो में चाल, दूरी और समय से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, करनाल से दिल्ली तक की दूरी को निम्न में से किस इकाई में मापेंगे? तो आप मुझे ये बताइए कि करनाल से दिल्ली तक की दूरी, एक तो बहुत लंबी दूरी है, तो लंबी दूरी को नापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करेंगे? क्या बताया था मैंने पिछली वीडियो में? किलोमीटर। किस इकाई का यूज करेंगे? किलोमीटर। तो ये है हमारा सही उत्तर, किलोमीटर। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको चाल, दूरी और समय के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी, तो आप वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वहां से देख सकते हो। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न है, एक कार एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो इसको कैसे करेंगे कि एक कार एक घंटे में कितना चलती है? 60 किलोमीटर। और वही कार 3 घंटे में कितनी चलेगी? अब क्या करेंगे हम, 60 को 3 से गुना कर देंगे तो वो हमारा उत्तर आ जाएगा। 60 को 3 से गुना करेंगे तो 3 0 0, 3 6 18, हमारा उत्तर क्या आया? 180 किलोमीटर। हम अपने उत्तर के साथ इकाई को जरूर लिखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा उत्तर कौन सी इकाई में आया है, क्योंकि कितने किलोमीटर चलेगी, कितने किलोमीटर पूछा गया है, तो हम अपने उत्तर के साथ भी किलोमीटर लिखेंगे। नेक्स्ट है, दूरी निकालने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं। दूरी निकालने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं? चाल गुना समय। ये आपको याद रखना है, आपके क्विज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, तो याद रखना है। दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुना समय। ये कुछ सवाल हल करते समय भी आपको जरूरी चाहिएगा। एक कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बताओ 4 घंटे में कार बस से कितनी किलोमीटर आगे निकल जाएगी? यहाँ पर देखिए, हमें कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि एक घंटे में कार 80 किलोमीटर चलती है, और बस की चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बस एक घंटे में 60 किलोमीटर चलती है। बताओ 4 घंटे में कार बस से कितने किलोमीटर आगे निकल जाएगी? तो पहले हम इन दोनों का 4 घंटे का निकाल लेते हैं। पहले हम निकालते हैं, कार एक घंटे में चलती है 80 किलोमीटर, तो 4 घंटे में चलेगी 80 गुना 4, यानी कि 4 0 0 और 8 4 32, तो क्या आ गया? 320 किलोमीटर। कार एक घंटे में कितना चली? 320 किलोमीटर। कितना चली? 320 किलोमीटर। अब हम बस का देखते हैं, बस एक घंटे में कितना चलती है? एक घंटे में चलती है 60 किलोमीटर, तो वो 4 घंटे में कितना चलेगी? 60 गुना 4, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? गुना करते हैं, 4 0 0 और 6 4 24, हमारा आया 240 किलोमीटर। अब हम देखते हैं कि कार 4 घंटे में कितना चलती है? 320, और बस 4 घंटे में चलती है कितना? 240। तो हमें क्या बताना है
कि 4 घंटे में कार बस से कितने किलोमीटर आगे निकली। तो कार बस से 1 किलोमीटर आगे निकली। देखते हैं अब इसको हम घटा देंगे। कार ज्यादा चली है तो बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिख के इसको घटा देते हैं। 0 में से 0 गए 0। अब 2 में से 4 नहीं जा सकते तो 2 यहां से क्या करेगा, उधार लेगा। यहां पर रह गए 2 और यहां पर हो गए 12। तो यहां पर 12 में से 4 गए 8। तो 4 घंटे में कार बस से 80 किलोमीटर दूर आगे निकल जाती है। कार 4 घंटे में बस से 80 किलोमीटर आगे निकल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल, बस, रेलगाड़ी इत्यादि से जितना रास्ता तय किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक की बीच की दूरी को, बीच के फासले को हम क्या कहते हैं, दूरी। क्या कहते हैं, दूरी। तो ये हमारा ख विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, प्रारंभ की मतलब शुरू की, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। बताओ बस ने ए से ई तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ये बस है, इसने यात्रा की और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की है। तो वो ए से चली, ए बी ये स्थानों के नाम दर्शाए गए हैं अल्फाबेट से, ए बी सी डी ई एफ, और इनके बीच की दूरी दी गई है। तो हमें बताना है कि ए से ई तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की गई। तो कुल कितनी दूरी है ए से ई तक, यानी कि हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी जो दूरी दे रखी है इनको हम लिख लेते हैं, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, फिर 22 किलोमीटर और फिर 9 किलोमीटर, और इन सब को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या उत्तर आता है, 8 जमा 2 10, 10 जमा 9 19, हासिल 1, 2 जमा 1 3, 3 जमा 2 5, 5 और 1 6। तो हमारा आया उत्तर 69। तो बस ने ए से ई तक कितनी दूरी तय की, 69 किलोमीटर। अगला सवाल है, सुधीर मोटरसाइकिल से अपने गांव से शहर पहुंचने में 2 घंटे का समय लेता है। सुधीर अपने गांव से शहर में 2 घंटे का समय लेता है, 2 घंटे का समय लेता है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसके गांव से शहर की दूरी निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने का मैंने सूत्र बताया था, कैसे निकालते हैं, चाल गुना समय। क्या निकालते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम चाल की जगह 25 लिख देंगे और समय की जगह 2 लिख देंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं, 25 दूनी 50। तो दूरी निकालनी है तो दूरी हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में। तो 50 किलोमीटर उसके गांव से लेकर शहर कितनी दूर है, 50 किलोमीटर। कितनी दूर है, 50 किलोमीटर। अब हमारा अगला सवाल है, एक जीप 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। एक जीप 200 किलोमीटर की दूरी, यानी कि 200 किलोमीटर दूरी हो गई, 5 घंटे में तय करती है। 5 घंटे यानी कि समय हो गया।
तो जीप की चाल प्रति घंटा ज्ञात करो, हमें चाल निकालनी है। तो पिछले सवाल में हमने सीखा था कि चाल गुणा समय किसके बराबर होता है? दूरी के बराबर होता है। तो अब हमें क्या करना है? चाल निकालनी है। तो यहाँ पर चाल इधर रख के समय को हम इधर ले जाते हैं बराबर के निशान से। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या सूत्र बन जाएगा? दूरी बटे समय, क्योंकि समय यहाँ पर गुणा में है तो दूसरी तरफ आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। दूरी बटे समय हो गया। तो चाल अब कैसे निकालेंगे? दूरी क्या है? 200 किलोमीटर है और समय क्या है? 5 किलोमीटर है। यानी कि अब हम 200 को 5 से भाग देंगे। तो हम मैं ऐसे ही आपको डायरेक्ट काट के दिखाती हूँ। 5 के पहाड़े में 5 चौक 20 और 0 की 0, तो ये हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा जीप की चाल हो गई। उम्मीद करती हूँ चाल, दूरी और समय से संबंधित आपको ये वाले सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे।